आज हम बात करेंगे ELT एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी 1984 में ये पब्लिश हुई थी डेविड कॉल्ब के जरिए। तो बहुत अच्छी ये थ्योरी है, हमारी प्रैक्टिकल जीवन में काफ़ी एप्लीकेशन इसकी है। बीएड में भी ये पढ़ाई जाती है, सीटेट में भी इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, DSSSB में भी ये पूछी जा सकती है। तो ध्यान से आप पूरी वीडियो देखना, हम बिल्कुल सिंपल सीधे शब्दों में इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये डेविड कॉल्ब कौन थे। ये अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, अमेरिका से थे, फाउंडर थे ये EBLS एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम के। यानी ये मानते थे कि लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस पर बेस है। कैसे मानते थे उसके बारे में इन्होंने क्या दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। सिक्स प्रिंसिपल थ्योरी के भी ये फाउंडर हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। सिक्स प्रिंसिपल थ्योरी के भी फाउंडर ये हैं। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम डिटेल बात करेंगे इस ELT में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में क्या है। दो चीज़ थी इसमें, साइकिल ऑफ लर्निंग है और स्टाइल ऑफ लर्नर है। तो पहले हम साइकिल ऑफ लर्निंग देख लेते हैं, कैसे बनता है, कैसे साइकिल ऑफ लर्निंग क्रिएट होता है। आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। तो सबसे पहले क्या होता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव अगर हमें होता है, यानी हमने कोई काम किया, हमने वो काम एक्चुअल में किया, ये हैबिचुअल हो सकता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये हैबिचुअल होता है। जैसे आपकी हैबिट है किसी एक तरह से बोलना, किसी एक तरह से कपड़े पहनना, किसी एक तरह से पढ़ाना, किसी एक तरह से कोई काम करना, गाना, नाचना, टीचिंग करना, कुछ भी हो सकता है। ये ज़्यादातर क्या होता है, ऑटोमेटिक, आप बिना सोचे समझे उस काम को करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक स्टाइल होगा पढ़ाने का, आपका एक स्टाइल होगा पढ़ाने का, मेरे हाथ चल रहे होंगे, मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, मैं कितना टर्न करके अपनी बातों को लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें। यानी पहले कोई काम आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया उसको, उसके बाद आपने क्या क्या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की, चिंतनशील अवलोकन किया उसके ऊपर, यानी एक तरह से रिव्यू किया, उसे देखा। आप कोई काम करते हैं तो उस काम को बाद में हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि यार ये काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ, कैसा हुआ ये काम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी वीडियो को देखूँगा तो मैं रिफ्लेक्शन करूँगा, मैं चिंतनशील अवलोकन करूँगा, मैं रिव्यू करूँगा कि मेरी वीडियो कैसी बनी, मुझे इसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो मुझे लगता है कि यार चेंज हो सकती है या और अच्छी हो सकती है। तो दूसरा स्टेप होगा ये। उसके बाद तीसरा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगा, यानी अमूर्त एक विचार बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट बनाऊंगा मैं। इसके अंदर क्या आएगा, एक तरह से जो लर्निंग मैंने ली, मैंने पहले कोई काम किया, उस पर चिंतन किया, रिव्यू किया, फिर मैं वहाँ से कुछ सीख गया, वहाँ से सीखने के बाद मैंने सोचा कि यार ये कॉन्सेप्ट और कैसे बढ़िया हो सकता है, यानी मैं इस काम को और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं इस काम को और बेहतर करूँ फ्यूचर में। एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ाने गए या आपने कोई म्यूज़िक की या डांस की परफॉर्मेंस दी स्टेज पर, अब आपने उस वीडियो को देखा, पहले आपने वो काम किया, फिर आपने उसे देखा, रिव्यू किया, अब आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक लर्निंग ली कि अच्छा ये काम ऐसे भी हो सकता है, और उसके बाद आपने इसी लर्निंग को जो यहाँ ली थी उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, यानी उसे कर दिया, नई तरीके से उसे ट्राई किया, इम्प्लीमेंटेशन की, किसकी, इस आइडिया की जो आपने यहाँ पे जनरेट किया था। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, पहले कोई काम हुआ, फिर उस काम को रिव्यू किया गया, फिर उसमें से कुछ लर्निंग निकाली गई और फिर उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया गया। ये चार इसके स्टेप होंगे। और अगेन दोबारा फिर कोई काम होगा, साइकिल चलता जाएगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट के स्कोप होंगे तो वो भी चलते रहेंगे। अब आप इसमें ये देखिए कि इनकी थ्योरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी पूरी कब होगी, जब चारों स्टेप होंगे। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं कि आपने सीधा कुछ एक स्टेप पे लिया और उस पे काम कर दिया, नहीं, आप पहले कोई काम करेंगे, आप मूर्त अवस्था में कोई काम करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं यानी उसे देखते हैं, फिर उसके ज़रिए आप लर्निंग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर उसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चार स्टेप्स चलेंगे, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने दूसरी चीज़ बताई है, तो साइकिल ऑफ लर्निंग था, दूसरा है लर्निंग स्टाइल, यानी लर्नर के स्टाइल कितने हैं, किस किस तरह के लर्नर होते हैं, वो भी इन्हीं से निकालेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं किस किस तरह के, चार इन्होंने स्टाइल बताए हैं कि इस तरह के लोग होते हैं, चार कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की है इसी से निकाल के। तो इसी से निकाल के वो कैटेगरी मैं आपको समझाता हूँ।
तो अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ लर्निंग। हमने डिस्कस कर लिया ये साइकिल है लर्निंग का, पहले हम कुछ करते हैं, फिर हम उस पर रिव्यू करते हैं, फिर हम कुछ लर्निंग लेते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चार चीज़ें चलेंगी। अब इन्हीं चारों के हिसाब से इन्होंने बताए हैं। अब आप समझिए कि जो पहली कैटेगरी है इनकी जो थिंकिंग होगी ना वो बहुत अच्छी होगी, अलग अलग फील्ड में अपने हिसाब से बहुत ये वैरायटी के आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर डूइंग मिसिंग है, ये काम नहीं करते, ये फील करते हैं, आइडियाज़ देते हैं यानी देखते हैं, ये चीज़ों पर वर्क कम करते हैं। तो क्रिएटिव लोग ज़्यादातर इस फील्ड में आते हैं, इमेजिनेशन जहाँ पर चाहिए, जहाँ पर क्रिएटिविटी चाहिए, वहाँ इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ये कैटेगरी उनकी है। इमोशनल होते हैं बाय नेचर, इमोशनल होंगे ये लोग, क्योंकि ये फील कर रहे हैं, तो फीलिंग मीन्स इमोशनल, और फिर फील करने के बाद उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप भी इस कैटेगरी में हो सकते हैं, आप चारों में से किसी एक कैटेगरी में आपको लगेगा कि मैं भी हूँ। अब दूसरी कैटेगरी आ गई, अब हमने 1+2 इसको और इसको जोड़ा, तो पहली कैटेगरी, तो सेम हम वैसे ही जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा, यानी जो फील करते हैं और देखते हैं वो पहली कैटेगरी में आ गए। अब जो थिंकिंग भी करते हैं और देखते भी हैं, थिंक भी करते हैं और देखते भी हैं, ये इस कैटेगरी में आ गए। ये एसिमुलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं और देखते हैं, इनका भी एक्शन थोड़ा कम होता है, ये भी आइडियाज़ जनरेट करते हैं, ये भी आइडियाज़ वाले फील्ड में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनका मेन फोकस होता है किसी एक समस्या को देखना और उस पर आइडियाज़ जनरेट करना। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये इमोशनल थे, ये थोड़े से लॉजिकल होते हैं, ये लॉजिकल होते हैं, वो इमोशनल थे, ये लॉजिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लॉजिक्स के साथ, तर्क के साथ चीज़ों को सोचते हैं और देखते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पर, किसी विचार पर पहुंचते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है, अब ये क्या कर रहे हैं, थिंक और डू, थिंक यहाँ से और डू यहाँ से, अब इन दोनों को जोड़ दिया, यानी ये सोचते हैं और काम करते हैं। ऐसे लोग कौन से होते हैं, एक्शन टेकर होते हैं, ये एक्शन लेते हैं, सोचते हैं और काम करते हैं। पहले वाली कैटेगरी फील कर रही थी, देख रही थी, दूसरे वाली सोच रही थी, देख रही थी, तीसरी कैटेगरी सोच रही है और काम कर रही है, यानी ये लोग एक्शन टेकर होते हैं, एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। अब चौथी कैटेगरी लास्ट वाली कौन सी है, जो फील करते हैं और एक्शन लेते हैं, फीलिंग के साथ एक्शन लेते हैं, यानी एक्शन लेंगे लेकिन किसके साथ लेंगे, फीलिंग के साथ लेंगे। ये दोनों जुड़ गए, एक इसके जुड़ने से, एक इसके जुड़ने से, इसके जुड़ने से और एक इसके जुड़ने से, ऐसे ये चार कैटेगरी इन्होंने बनाई है। तो ये लोग कौन से होते हैं, जो फील करते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं, तो इस वजह से ये लोग कौन होते हैं, जो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में, ये रिस्क टेकर्स होते हैं। इसी के हिसाब से प्रोफेशन भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि एक्शन ज़्यादा है वो लोग, उस तरह के प्रोफेशन वाले लोग उस कैटेगरी में आएंगे, क्रिएटिव लोग इस कैटेगरी में आएंगे, लॉजिकल लोग इस कैटेगरी में आएंगे, जो एक्शन ले लेते हैं तुरंत, रिस्क ले लेते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे, और एक्शन लेने वाले, सोचकर एक्शन लेने वाले इस कैटेगरी में आएंगे। तो ये इन्होंने चार बताए हैं लर्निंग के स्टाइल, आप देखिए आप किस स्टाइल में आते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, ELT का साइकिल ऑफ लर्निंग और स्टाइल ऑफ लर्निंग। अगर कोई भी आपका सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके अगले वीडियो में आपके सवाल को लेकर वहाँ से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।